टीम इंडिया ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 खत्म होने के तुरंत बाद 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी है। इस वर्ल्ड कप का आयोजन वेस्टइंडीज और अमेरिका में जून के महीने में किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के पास अब सिर्फ गिनती के कुछ ही T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बचे हैं जिनमें उन्हें पूरी तैयारी करनी है। टीम इंडिया का T20 सेटअप काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी तक कुछ मुख्य सवालों के जवाब नहीं मिले हैं और उन्हीं में से एक सवाल है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी कौन करेगा। टीम मैनेजमेंट में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों को पिछले काफी वक्त से T20 टीम से बाहर किया हुआ है। ऐसे में रोहित शर्मा के बारे में तो फिलहाल यह भी कहना मुश्किल है कि वो T20 वर्ल्ड कप में बतौर खिलाड़ी भी खेलेंगे या नहीं। ऐसे में फिलहाल उन्हें कप्तानी सौंपने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय चयनकर्ताओं ने रोहित को वनडे और हार्दिक पांड्या को T20 टीम की कप्तानी सौंपी थी, लेकिन हार्दिक पांड्या की चोट एक बड़ी समस्या है। वनडे वर्ल्ड कप के चौथे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अपनी ही गेंदबाजी पर गेंद को रोकने में हार्दिक पांड्या को चोट लगी थी और तभी से वो टीम से बाहर हैं। वर्ल्ड कप के बाद हार्दिक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज मिस की थी और अब साउथ अफ्रीका दौरा भी मिस कर चुके हैं। हार्दिक की अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई घरेलू T20 सीरीज में सिलेक्टर्स ने T20 फॉर्मेट के नंबर वन बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को कप्तानी सौंपी। सूर्य ने अपनी कप्तानी से ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से T20 सीरीज हरा दी। उसके बाद सूर्य को साउथ अफ्रीका दौरे पर भी T20 सीरीज में कप्तानी का मौका मिला है और उन्होंने वहां भी T20 सीरीज को 1-1 से बराबर किया हुआ है। इसका मतलब सूर्य अभी तक अपनी कप्तानी में एक भी T20 सीरीज नहीं हारे हैं। इसके अलावा कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने के बाद सूर्य की बल्ले में भी कोई फर्क या दबाव नजर नहीं आया है, बल्कि उन्होंने बतौर कप्तान पहले से बेहतर बल्लेबाजी की है। भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की घरेलू T20 सीरीज खेलनी है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की कप्तानी कौन करता है। अगर सूर्य ही कप्तानी करते हैं तो क्या T20 वर्ल्ड कप में वही टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगे? अगर ऐसा होता है तो सिर्फ 3 T20 सीरीज के बाद कैरेबियन पिचों पर होने वाले वर्ल्ड कप की जिम्मेदारी सौंपना ठीक है? बहरहाल इन सभी सवालों के जवाब जो है वो तो टीम सिलेक्टर्स के पास ही है। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, कौन कप्तान बने, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है उसमें बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही तमाम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स लाइव।